अभी सूचना मिली कि एक तालाब के अंदर एक डेड बॉडी मिली है जो 23 साल के अभिषेक मित्तल नाम के लड़के की है। वो डेड बॉडी आते ही लोग आक्रोशित हो गए और उन्होंने चौकी में तोड़फोड़ की है और डेड बॉडी मच्छरी भी भिजवा दी गई है पोस्टमार्टम के लिए। शेष नियमानुसार कार्रवाई की। सर, पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया है परिजनों ने। ये ऐसा है कि क्राइम ब्रांच के द्वारा जुआ खेलते हुए कुछ 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था 2 दिन पहले। उसी क्रम में उसको जोड़ करके देखा जा रहा है। आरोप है कि वो भी घटना पे था और घटनास्थल से भागते समय तालाब में डूबने से मृत्यु हुई है। प्रथम दृष्टया ये दिखाई दे रहा है। शेष जांच उपरांत नियमानुसार कार्रवाई। जिले में पुलिस चौकी पर पथराव हो गया है। यहाँ पर 3 दिन पहले अभी एक जुआ पकड़ा गया था, गैम्बलर पकड़े गए थे और उसके बाद एक युवक बताया जा रहा है कि वहां से गायब था और उसके बाद आज पुलिस परिजनों ने जो पथराव किया है, आप देख सकते हैं तस्वीरें, जो रोड़े पड़े हैं, अड्डे पड़े हैं और पूरी तरीके से इस चौकी पर जबरदस्त पथराव किया गया है। आप देख सकते हैं सीसी चौकी प्रभारी का जो ये है, ये पूरा का पूरा ये टूट गया है और ये देखिए बुरी तरीके से यहाँ पर पथराव हुआ है। ये रोड़े पड़े हैं, अड्डे पड़े हैं और अभी भी भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं LRP चौराहा ये है और LRP चौकी के बाहर पूरी तरीके से पुलिस बल मौजूद है और किसी तरह की भीड़ को शांत करने की कोशिश कर रही है। लखीमपुर की रिपोर्ट से प्रशांत पांडे, ETV भारत की।